पिछले हफ्ते बेंगलुरु में एक इंजीनियरिंग छात्र की खुदकुशी की दुखद खबर ने सबको झकझोर दिया। छात्र ने चाइनीज ऐप से लोन लिया हुआ था और लोन वसूल करने वाले वसूली के लिए उसे धमका रहे थे। यहां तक कि छात्र की निजी तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दे रहे थे। आरोप है कि छात्र ने तंग आकर खुदकुशी कर ली। भोपाल से तो इससे भी दुखद मामला सामने आया। इंस्टेंट लोन ऐप से लिए कर्ज का भुगतान नहीं कर पाने पर वसूली के लिए धमकियों का सामना कर रहे एक दंपति ने पहले बच्चे को जहर देकर उसकी जान ली और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दंपति के सुसाइड नोट से पता चला कि उन्हें वसूली के लिए धमकाया जा रहा था। ये दुखद घटनाएं बता रही हैं कि चाइनीज या इंस्टेंट लोन ऐप अपने कर्ज की वसूली के लिए किस हद तक जा सकती हैं। दरअसल चाइनीज लोन ऐप और इंस्टेंट लोन ऐप कर्ज के लिए उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिनका या तो सिबिल स्कोर खराब होता है या जिन्हें बैंक आसानी से कर्ज नहीं देते। बाजार में ऐसे बहुत सारे लोन ऐप्स हैं जो बिना केवाईसी के ग्राहकों को लोन बांट रहे हैं और जैसे ही लोन लेने वाला कर्ज की किश्त लौटाने से चूकता है वैसे ही इनकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। ऐसे कई इंस्टेंट लोन ऐप हैं जो गैर कानूनी है। कई गैर कानूनी लोन ऐप ऐसे हैं जो ग्राहक के फ़ोन पर डाउनलोड होते ही फ़ोन का सारा डेटा चुरा लेते हैं और उस डेटा के जरिए ग्राहक को ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। बीते जून में दिल्ली पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा था जो देश भर में 2000 लोगों को लोन ऐप के जरिए चूना लगा चुका था। कई इंस्टेंट लोन ऐप ऐसे हैं जो कर्ज वसूली के लिए गैर कानूनी हथकंडे अपनाते हैं। कई बार लोन लेने वाले के रिश्तेदार को फ़ोन किए जाते हैं, घर वालों और परिचितों को धमकाया जाता है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब वसूली के लिए धमकाया गया और रिश्तेदारों में ग्राहक की आपत्तिजनक मॉव्ड तस्वीरें साझा की गई हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के गैर कानूनी लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। गूगल ने प्ले स्टोर से ऐसे कई लोन ऐप्स को हटाया हुआ भी है। RBI ने भी इस मामले में गाइडलाइन जारी की है। केवल वही ऐप पर्सनल लोन दे पाएंगे जिनको इसके लिए लाइसेंस मिला हुआ है, बाकी सभी को फेक माना जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद इस तरह की लोन ऐप्स के खिलाफ शिकायतों की कमी नहीं है। अब ये समझिए कि आपको कैसे बचना है। नंबर एक, जब भी किसी तरह का कोई लोन लें केवल RBI द्वारा अधिकृत संस्थाओं से ही लें। नंबर दो, अगर आप किसी लोन ऐप के जाल में फंसे हुए हैं तो तुरंत ही पुलिस से संपर्क करें। नंबर तीन, साथ ही अपने नजदीकी साइबर क्राइम थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाएं। नंबर चार, लोन वसूली एजेंट्स इनकी धमकियों, इनकी फेक तस्वीरों से बिल्कुल भी ना डरें। और आखिर में सावधानी बरतें, सतर्क रहें, किसी संदिग्ध ऐप को अपने फ़ोन की कोई परमिशन ना दें।